मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम मैथ्स में पेज नंबर 274, पेज नंबर 274 पे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.9, वो हम करेंगे। आपको आपकी फेयर बुक में मेरे साथ लिखना है, इसमें नहीं लिखना है, फेयर बुक में लिखना है। एक्सरसाइज 3.9 हेडिंग देना है फेयर बुक में और वहाँ से स्टार्ट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। हेडिंग देना है बुक में, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट ब्लैंक 34,126 × 1। 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वो ही रहता है। मतलब कोई भी नंबर हो, 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में वही नंबर आता है। ये नंबर है, मैंने वही लिखा है 34,126, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ओके, सेकेंड ब्लैंक 232,372 मल्टीप्लाई बाई विच नंबर, देन आंसर इज 232,372। ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, तो कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा? हमने ऊपर वाले ब्लैंक में किया 1। ओके, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। फर्स्ट ब्लैंक, सेकेंड ब्लैंक, थर्ड ब्लैंक, ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 43,443। कौन से नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा? तो सेम नंबर होता है, जब 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है, 43,443। ओके, पहली ब्लैंक, दूसरी ब्लैंक और तीसरी ब्लैंक, तीनों ब्लैंक सेम है पर ब्लैंक का आंसर अलग अलग आया। पहले में हमने किया 1 मल्टीप्लाई तो आंसर सेम आया, दोनों नंबर सेम थे तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया? 1। और 1 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है, तो सेम नंबर। ओके, फोर्थ ब्लैंक 57836 × 9 is equal to blank into 57836। यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे भी यही नंबर है, ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा? 9। ब्लैंक में 9 आएगा क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है तो ये दोनों नंबर भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे सेम नंबर है और ये भी सेम नंबर है तो 9 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी मैंने 9 ही लिखा है। ओके, फिफ्थ 4521 into blank is equal to 7 × 4521। यहाँ पे 4521 है तो यहाँ पे भी 4521 है, यहाँ पे 7 है तो ब्लैंक में क्या आएगा? 7। जो नंबर मिसिंग है वो नंबर ब्लैंक में आएगा। ये नंबर यहाँ पे है तो इक्वल की ये साइड पे भी ये नंबर है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है तो मैंने 7 लिखा ब्लैंक में। ओके, क्वेश्चन नंबर, ब्लैंक नंबर 6, ब्लैंक इंटू 243 इज इक्वल्स टू 243 × 8174। यहाँ पे 243 है तो ये इक्वल की उस साइड पे भी 243 है, यहाँ पे 8174 है, यहाँ पे नहीं है तो ब्लैंक में लिखेंगे 8174। मतलब दोनों साइड इक्वल की दोनों साइड सेम नंबर होने चाहिए। ओके, ब्लैंक नंबर 7, 234,781 × 5 = 5 × blank। यहाँ पे 234,781 है
यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे 2,34,781। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ओके। तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। नेक्स्ट 9th ब्लैंक 2,90,114 × 0 इज इक्वल टू ब्लैंक। 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, आंसर इज 0 ऑलवेज, ओके। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर 0 ही आएगा। 9th 4,21,232 × blank = 0। 0 कब आएगा, कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा आंसर। तो जो नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ओके। अब है ब्लैंक नंबर 10। (152 × 133 = 345 = 152 × (blank) ओके। यहाँ पे 152 है तो यहाँ पे भी 152 है, इक्वल है। यहाँ पे बीच में देखो 152 152, तो ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा 133, और दूसरा नंबर कौन सा है 345, ओके। दोनों साइड सेम नंबर होने चाहिए। फिर है ब्लैंक नंबर 11 208 × 195 × 568 = (blank) (blank) (568 ओके। 208 यहाँ पे है, नहीं है पूरे ब्लैंक में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 208। 195 यहाँ पे नहीं है 195, तो लिख रही हूँ 195 568, तो वो यहाँ पे है। बाद में ब्लैंक नंबर 12 (blank) (blank) (multiplied by 136 = 156 × 466 × 136 यहाँ पे 136 है तो यहाँ पे भी 136 है, यहाँ पे 466 है तो यहाँ पे नहीं है, तो लिख रही हूँ 466, ये 156, तो यहाँ पे 156। सिर्फ मिसिंग नंबर इक्वल की दोनों साइड सेम नंबर होने चाहिए, वही आपको याद रखना है। दोनों साइड सेम नंबर हो जाए तो आपका आंसर सही होगा। 13 169 × (blank) (blank) = 169 × 225 × 49 यहाँ पे 169, यहाँ पे भी 169, दूसरा नंबर है 225, तो यहाँ पे लिख रही हूँ 225। थर्ड नंबर है 49, यहाँ पे लिख रही हूँ 49। तो ये ब्लैंक हमारी कंप्लीट हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.10। 3.10 फिर एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, वह हेडिंग है। उसमें फर्स्ट सम 128 × 282, नियरेस्ट 10 में राउंडिंग ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 मतलब 10 की प्लेस पे जो नंबर है उसके आगे वाला नंबर चेंज कर देना है। 10 की प्लेस मतलब ये वाली प्लेस होती है 10 की प्लेस, ओके। तो उसके आगे वाला नंबर चेंज करना है, सॉरी ये वाली नंबर होती है 10 की प्लेस, तो वो चेंज कर देता है, कर देना है। यहाँ पे 128 है, 28 किससे नज़दीक होता है, 30 से या 20 से? 28 किसके बीच में पहले तो आता है, 20 और 30 के बीच में आता है 28। मैंने लास्ट दो नंबर ही देखे हैं सिर्फ, क्योंकि 10 बोला है,
टेन मतलब लास्ट टू नंबर्स ही आते हैं, पहला नंबर मैंने नहीं देखा है। लास्ट टू नंबर्स है 28। 28 20 से ज़्यादा नज़दीक होता है या 30 से ज़्यादा नज़दीक होता है? 28 30 से ज़्यादा नज़दीक होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 128 की जगह पे 130। और यहाँ पे 82 है, लास्ट दो नंबर है 82। 82 किस से नज़दीक होता है ज़्यादा, 80 से या 90 से? तो 80 से वो ज़्यादा नज़दीक होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 282 की जगह पे 280। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 दोनों में से निकाल रही हूँ पहले मैं, तो सिर्फ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 13 इंटू 28 ज़ीरो, दो डिजिट है इसीलिए ज़ीरो, 2 3 6, 2 1 2 प्लस 8 3 24, 4 and 2, 8 1 8 plus 2 10, 0 plus 4 4, 6 plus 0 6, 2 plus 1 3, यहाँ पे भी ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, दो ज़ीरो है, हमें यहाँ पे दो ज़ीरो लगा दिए, तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट सम का। मैंने नंबर चेंज कर दिए, देखो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं किया है, चेंज कर दिए और बाद में मल्टीप्लाई किया, उसमें सेकेंड सम है 1222 into 313। लास्ट दो नंबर ही सिर्फ देखने हैं, ओके? तो यहाँ पे 1222 है, वो 20 से नज़दीक होता है या 30 से? तो 20 से ज़्यादा नज़दीक होता है, क्योंकि दो नंबर के बाद ही सिर्फ 22 आ जाता है, 21 and 22, और 30 के साथ 30 तक पहुँचने के लिए तो 8 नंबर और चाहिए, मतलब 20 से ये नंबर ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं यहाँ 1220 लिख रही हूँ, 22 की जगह पे मैंने लिखा 20, और ये 313 है, तो 13 10 से नज़दीक होता है या 20 से? लास्ट दो नंबर देखने हैं, 13 10 से ज़्यादा नज़दीक होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 310। 313 की जगह पे मैंने लिखा 310। अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं ज़ीरो निकाल देती हूँ पहले, 122 into 31, दो डिजिट है इसीलिए ज़ीरो, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, प्लस 1 2 2, 1 2 2, 1 1 1, 0 plus 2 2, 6 plus 2 8, 6 plus 1 7 एंड 3। और ये जो दो ज़ीरो दिख रहे हैं वो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये दो ज़ीरो मैंने पहले निकाल दिए थे, सिर्फ ऐसे ही मल्टीप्लाई किया था, तो ये दो ज़ीरो मैंने फिर से लगा दिया आंसर में, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें जो दो नंबर दिए गए हैं उसको भी सेम ऐसे ही करना है मल्टीप्लाई। पूरा क्वेश्चन है, ईच पैकेट हैज 302 कॉम्स, एक पैकेट में कॉम्स मतलब जिससे हम हमारे हेयर्स ठीक करते हैं उसे कॉम्ब बोला जाता है, 302 थे एक पैकेट में, तो अगर ऐसे हमारे पास 149 पैकेट होंगे तो कितने कॉम्ब होंगे, ओके? तो पहला नंबर है 302 एंड है 149, तो यहाँ पे 2 है, 02 02 होता है, वो 300 से नज़दीक है या 310 से? तो 300 से ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं यहाँ पे 300 लिख रही हूँ, और 149 उसमें लास्ट दो नंबर ही देखने हैं, 49 50 से ज़्यादा नज़दीक है या 40 से? 50 से, तो इसका मैं कर रही हूँ 150, 49 का मैंने कर दिया 50। अब दोनों का करती हूँ मल्टीप्लाई, ज़ीरो निकाल देती हूँ, तो ये 15 है और यहाँ पे 3 है, 15 3 45, तो यहाँ पे लिख रही हूँ 45, कितने ज़ीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे लगा देती हूँ 1 2 3, ये हो गया उसका आंसर। जब ज़ीरो वाले नंबर आते हैं तब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 3, 15 3 45, और 3 ज़ीरो मैंने लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, पहले हमने यहाँ तक सम किया उसमें 10 था, मतलब मैंने लास्ट वाले सिर्फ दो नंबर देखे, क्योंकि 10 में सिर्फ 2 डिजिट ही होते हैं, अभी 100 में कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं, ओके? तो ये वाले सम कैसे करेंगे, यहाँ पे फोर्थ सम 424 into 278,
ये 424 पूरा देखेंगे, सिर्फ लास्ट दो नंबर नहीं देखेंगे कि 24 है या 78 है। ओके, ये तीनों नंबर देख लेंगे क्योंकि 100 में थ्री नंबर्स होते हैं। 424 वो 400 से नज़दीक है या 500 से? तो 400 से ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ 400। और 278 है, मतलब अब वो नंबर सारे पूरे होने वाले हैं। 278 मतलब हम 70 की लाइन में पहुँच गए, तो वो बड़ा नंबर हुआ 200 लाइन का। 278 200 से ज़्यादा नज़दीक है या 300 से? तो 300 से ज़्यादा नज़दीक होगा क्योंकि अभी थोड़े ही नंबर बाकी है, बाद में तो 300 आने वाला है। ओके, तो इसके जगह पे मैं लिख रही हूँ 300, ये दोनों नंबर मैंने चेंज कर दिए। ओके, अभी 4 3 जा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 3 जा 12, 1 2 3 4 चार ज़ीरो है, तो 1 2 3 4 ये हो गया आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट सम है 521 इंटू 317, 521 एंड 317, 521 500 से ज़्यादा नज़दीक है या 600 से? तो 500 से ज़्यादा नज़दीक होगा क्योंकि अभी 21 नंबर्स ही हुए, अभी बहुत सारे नंबर बाकी है, तो यहाँ पे 500 लिखूँगी 521 की जगह पे 317। 300 से नज़दीक है या 400 से? तो 300 से ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि अभी सिर्फ 17 नंबर ही हुए हैं। यहाँ पे 77 होता तो 400 लेते क्योंकि 70 की लाइन में हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे ले रही हूँ 300। 5 3 जा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 5 3 जा 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,50,000। लास्ट सम है अभी सम नंबर 6। ईच पैकेट है 613 बॉल्स, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बॉल्स कंटेन इन 2,299 सच पैकेट्स बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में राउंडिंग ऑफ करना है, मतलब इसके जैसा ही सम है। एक पैकेट में हमारे पास 613 बॉल थे, तो ऐसे हमारे पास 299 पैकेट्स थे, तो कितने बॉल्स होंगे? तो इसका करते हैं पहले राउंडिंग ऑफ और बाद में करते हैं मल्टीप्लाई। सम नंबर 6, 613 इंटू 299, ये 613 है, 600 से नज़दीक है या 700 से? तो 600 से ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि अभी सिर्फ 13 ही नंबर आगे गए हम। ओके, तो यहाँ पे लिख रही हूँ 600, और ये 299 है, ये 200 से नज़दीक है या 300 से? तो 300 से ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि 200 के बाद तो हम 99 नंबर आगे बढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ एक ही नंबर बाकी है 300 होने में। इसमें अगर एक प्लस कर देंगे तो 300 आ जाएगा। ओके, तो 300 से ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 300। अभी 6 3 जा 18, सो यहाँ पे लिख रही हूँ 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया उसका आंसर। आप चाहे तो ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, वैसे कर सकते हो, पर जीरो वाले नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, सिर्फ आप दो ये पहले आगे वाले जो दो नंबर होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर लो, पीछे ज़ीरो लगा दो तो वो सही होता है। 6 3 जा 18, पीछे 4 0। ओके, तो यहाँ पे ये 3.10 भी कंप्लीट हुई। आई होप आप सबको ये समझ में आया है, एंड ये आपको FB में ठीक से कंप्लीट करना है वीडियो में से देख के। कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय किड्स।